हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसी फोटोग्राफी कर सकते हैं, यानी लाइट पेंटिंग जैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं अपने Realme 2 Pro से। एंड गाइस, ये ट्रिक सिर्फ Realme 2 Pro में नहीं, किसी भी फोन में वर्क करेगी। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि ये ट्रिक काफी कमाल का है और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी काफी कमाल के पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस ट्रिक के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला और मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास ट्राइपॉड, गोरिल्ला पॉड या फोन स्टैंड होना चाहिए जिससे जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपका फोन स्टेबल रहे, वो थोड़ा सा भी ना हिले। अगर थोड़ा सा भी हिला तो फोटो काफी ब्लरी आ जाएगा। एंड अगर आपके पास फोन स्टैंड करने के लिए कुछ भी नहीं है और आप खरीदना भी नहीं चाहते हैं तो ईंट पत्थर, बुक्स या बॉक्सेस से आप काम चला सकते हैं। अब ईंट पत्थर से आपको किसी का सर्वर नहीं फोड़ना है, बस उसकी मदद से आपको अपने फोन को स्टेबल कर देना है कि फोटो लेते टाइम फोन हिले ना। बात करें दूसरे रिक्वायरमेंट की तो आपके फोन में मैनुअल कैमरा का सपोर्ट होना चाहिए। Realme 2 Pro में तो मैनुअल कैमरा का सपोर्ट है ही, इसके लिए सिंपली आप कैमरा ऐप में एक्सपर्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई अदर फोन है एंड उसमें मैनुअल कैमरा का सपोर्ट नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तीन चीजों को आप कंट्रोल कर सकें। पहला है एक्सपोजर वैल्यू, ISO एंड शटर स्पीड, या हम कह सकते हैं एक्सपोजर टाइम। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैकन कैमरा यूज करें। इसका इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल सा है, इसमें आप सिंपली एम आइकन पर क्लिक करके मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गाइज, हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक अदर फोन होना चाहिए जिसमें फ्लैश लाइट या टॉर्च लाइट हो, या आप कोई भी लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं जैसे कोई टॉर्च, फुलझड़ी या मोमबत्ती। इसके मदद से ही हम फोटोग्राफी करने वाले हैं। अगर आपको इनके अलावा कुछ और भी यूज करने का आइडिया मिलता है इस फोटोग्राफी के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गाइज, मैं ये ट्रिक अपने Realme 2 Pro पे दिखाने वाला हूँ, बट आप इस ट्रिक को किसी भी Realme डिवाइस या किसी भी अदर डिवाइस पे कर सकते हैं। इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले मैनुअल मोड या एक्सपर्ट मोड को समझना होगा कि ये होता क्या है। मैनुअल मोड में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले दिखाई देगा व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस से आप अपने इमेज को कूल या वार्म कर सकते हैं, यानी व्हाइट बैलेंस कम होगा तो इमेज थोड़ा ब्लू टाइप होगा एंड ज़्यादा होगा तो थोड़ा येलो टाइप होगा। नेक्स्ट चीज आती है एक्सपोजर वैल्यू, ये बिल्कुल ब्राइटनेस जैसी होती है। आप इसे कम करेंगे तो इमेज में लाइट कम आएगी एंड ज़्यादा करेंगे तो लाइट ज़्यादा आएगी। एंड आप एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ाओगे तो ISO ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होने लगता है। अब बात आती है ISO की, तो ISO भी बेसिकली ब्राइटनेस जैसा होता है। आप ISO को जितना बढ़ाओगे फोटो की ब्राइटनेस उतनी बढ़ेगी एंड ISO जितना कम होगा ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी। अब बात करें शटर स्पीड या एक्सपोजर टाइम की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैमरा का शटर कितना देर तक ओपन रहता है एंड इतने देर में आपका कैमरा कितना लाइट कैप्चर कर पाता है। यानी अगर शटर स्पीड कम होगा तो फोटो जल्दी क्लिक हो जाएगी एंड यहीं अगर शटर स्पीड ज़्यादा होगा तो कैमरा का शटर ज़्यादा देर तक खुला रहेगा एंड फोटो क्लिक करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर शटर स्पीड 1 सेकंड रखते हैं तो कैमरा 1 सेकंड में फ़ोटो क्लिक कर लेगा एंड 8 सेकंड रखते हैं तो एक फ़ोटो क्लिक करने में हमें 8 सेकंड लग जाएगा। एंड गाइज, अगर आपने शटर स्पीड को 8 सेकंड रखा है एंड उस 8 सेकंड में कैमरा के सामने कोई भी एक्टिविटी होती है या अदर कोई भी मूवमेंट होती है तो कैमरा उसे कैप्चर कर लेगा एंड इसी टेक्निक पे हमारा यह पूरा ट्रिक वर्क करता है। तो अब बात आती है कि ऐसी फोटोज लेने के लिए आपको व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर वैल्यू, ISO एंड शटर स्पीड को कितना रखना है। आप व्हाइट बैलेंस को ऑटो भी रख सकते हैं या आप 5000K से 6000K के बीच रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसे कितना रखना है। आपको अगर व्हाइट बैलेंस का आइडिया नहीं है तो आप इसे ऑटो ही रहने दें। अब बात करें एक्सपोजर वैल्यू की, तो इसे सिंपली आपको सबसे कम यानी -2.00 कर देना है एंड ISO को भी सबसे कम यानी 22 कर देना है। अब बात करें शटर स्पीड की, तो इसे आपको 4 सेकंड या 5 सेकंड रख देना है। इसके बाद सिंपली आपको कैमरा के सामने जाना है एंड अपने दूसरे मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लेना है एंड फ्लैश ऑन करने के बाद आपको उस पर अपना फिंगर रख देना है तो आपको कुछ ऐसा रेड लाइट देखने को मिलेगा। इस लाइट से आप कैमरा के सामने कुछ भी जैसा ड्रॉ करेंगे वैसा ही इमेज क्लिक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शटर स्पीड जितना होगा इमेज क्लिक होने में उतना ही टाइम लगेगा एंड उतने टाइम में आप किसी भी लाइट को जैसे जैसे मूव करोगे वैसा इमेज ही क्लिक हो जाएगा।
यानी अगर आपने शटर स्पीड 4 सेकेंड रखा एंड 4 सेकेंड में आप लाइट को जैसे जैसे मूव करोगे वैसा ही इमेज क्लिक हो जाएगा। साथ ही गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिक की मदद से अगर आप कोई इमेज क्लिक करते हैं तो वो इमेज मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड साथ ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा एंड मुझे जैसा लगता है कि आप आज रात में ही इस ट्रिक को ट्राई जरूर करेंगे। आपके पास Realme 2 Pro से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं अभिनव मिलता हूँ अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।